हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, हिंदी के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़े रहिए, वहाँ पर हर चीज़ जो है आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। वहाँ पर आपको लाइव टेस्ट भी देखने को, क्विज भी देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप UP SSSC या किसी भी अन्य UP के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये साइंस स्पेशल, यानी कि आपको पता है जनरल साइंस बहुत सारी एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उनके लिए बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जनरल साइंस के तो क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन 2019 के जो करंट अफेयर हैं, इसके साथ ही साथ 20 फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ₹35 में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, तो इसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय लगवाते हुए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर नौकर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सेवक होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है यहाँ पर कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो बड़ी बहन कहाँ रहती हैं? तो आप का यहाँ पर क्या यूज होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती हैं? तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों कह रहा है कि निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, काशी शहर गंगा नदी पर बसा है। तो गंगा नदी के पर बसा है, के बीच बसा है, के तट पर बसा है? जी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है, काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर जो के तट है वो आपका एक संबंध बोधक अव्यय है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द का आशय क्या है? तद्भव शब्द का आशय क्या होता है? अभी मैं जब तत्सम तद्भव पढ़ा रहा था तो तद्भव का शब्द का आशय बताया था। तो तद्भव शब्द का मतलब होता है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित कौन में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है? तो कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटर, जिसे आपने सुना कि मेरे ऑफिस में एक कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर मतलब होता है भाई तालमेल बिठाने वाला, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, समन्वयक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है यहाँ पर भाई आपको त्रुटिपूर्ण ऑप्शन का चयन करना है। खेल शुरू होने के एक घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर और यहाँ पर कुछ कसरत कर लेते हैं। तो कुछ कसरत, यहाँ पर कसरत के स्थान भाई ये लोग अभ्यास करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, तो कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भाई यहाँ पर देखिए, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। तो जो मेहमान दिल्ली से आए थे और उन सबको माँ ने चाय पिलाया, भाई चाय पिलाया नहीं, यहाँ पर चाय पिलाई होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो इसका सी है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है भाई, मुहावरे की भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो बाल की खाल निकालना, इसका मतलब होता है बहुत छानबीन करना, ना कि बहुत परिश्रम करना। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दाग लगाना, दाग लगाने का अर्थ क्या होता है भाई? कलंक लग जाना, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है, कलंक लगना, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वाकिया का विलोमार्थक है? स्वाकिया का विलोमार्थक कौन सा है? तो याद रखिएगा, स्वाकिया का विलोमार्थक है भाई परकिया, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भाई, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है, मेरी चाबी खो गई, ना कि मैं चाबी खो गई, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भैया मौत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो निधन होता है, तो ऑप्शन जो इसका ए है, निधन, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर
अगर विस्मयादि बोधक का यूज करेंगे तो हाय हाय आहा छी छी तो करेंगे नहीं, यहाँ पर अरे वाह का यूज करेंगे। अरे वाह 90% से अधिक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि उसने नया शॉल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो नया शॉल खरीदा, तो देखा जाए तो यहाँ पर नया जो है एक गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है, तो गुण बता रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है भाई, खून खून के घूट पीकर रह जाना, खून का घूट पीकर रह जाना भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विवशता के कारण क्रोध रोक लेना, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है, लड़का पेड़ से गिरा अलग होने के अर्थ में है, तो ऑप्शन जो इसका सी है अपादान कारक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो संबंध तत्पुरुष ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो कह रहा है कि उमेश शब्द में कौन सी संधि है? तो उमा प्लस ईस यानी कि बड़ा आ प्लस छोटी बड़ी बराबर ए हो जा रहा है, तो यहाँ पर गुड़ संधि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो आपसे कह रहा है कृतज्ञ का विलोमार्थक क्या है? तो भैया कृतज्ञ का जो विलोमार्थक शब्द है वो आपका कृतघ्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है कृतघ्न वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा वाक्य सही है, तो मुझे घर जाने की जल्दी है, और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो पहला वाला वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, तो ऑप्शन ए पर ही टिक कर देंगे। दूसरे में क्या गलती है? मुझको घर को जाने ये गलत है, मुझे घर को जाने और मुझे मेरे को, तो यहाँ पर देखा जाए तीनों गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राम गया लेकिन सीता आ गई, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये एक सरल वाक्य है, तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आपसे कह रहा है निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो यहाँ पर देखा जाए 28 में तो जो अनुगृहित, ये वाला अनुगृहित लिखा गया है, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो कह रहा है दोस्तों कि जिसमें शक्ति ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो भाई जिसमें शक्ति ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अशक्त, यानी कि अशक्त यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो भाई जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जनतंत्र, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो आपसे कह रहा है वाक्य को क्रम से लिखिए। तो भाई यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन सी डी ए बी चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। भाई शेर की नींद टूट गई, चूहा शेर के ऊपर चढ़ा, शेर गहरी नींद में सो रहा था, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। तो देखा जाए तो पहले तो भाई जो गहरी नींद में सो रहा था, तो शेर गहरी नींद में सो रहा था, उसके अलावा देखा जाए तो तीसरे से सिर्फ यही स्टार्ट हो रहा था, यही सही हो जाएगा। मिला लीजिए भाई, तीसरे के बाद दूसरा, शेर गहरी नींद में सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया, तो ऑप्शन जो इसका ये वाला तीसरा वाला है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का मतलब भाई यहाँ पर देखा जाए तो इसका हो जाएगा दिक प्लस अंग अंबर, तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई, दिक प्लस अंबर, और यहाँ पर व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 33 पर दोस्तों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में कैसे लिखा जाएगा? तो भाई गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में लिखा जाएगा कि गायत्री ने गीत गाया, तो ऑप्शन जो इसका ए है ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किलकत कान घुट रमिन आवत, मणिमय कनद नंद कै आगन, बिंब पकिरबे झावत धावत, इस पंक्ति में बताना है कि वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का जो आलंबन है वो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में देखा जाए तो जो बालक श्री कृष्ण है वो आलंबन है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो कह रहा है भाई जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? भाई जिसका अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो आपसे कह रहा है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत मेरा मन मयूर, तो मन मयूर में अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार है। यहाँ मन यानी कि उपमेय और मयूर उपमान में एक रूपता स्थापित की गई है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 36 के बाद 37 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बिभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो बिभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर कह रहा है भैया कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो आपका है वह विदुषी महिला है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो आपसे कह रहा है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आजीवन देखा जाए तो पहला वाला ही है, तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बंदरिया शब्द में यहाँ पर देखा जाए प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? ईया, ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 40 के बाद 41 पर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह तख्त पर सोता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाई वह तख्त पर सोता है इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भाई कृतवाच्य, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो कह रहा है भाई हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो आपसे कह रहा है उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं भाई? योजक चिन्ह लगाते हैं, कौन सा? ये वाला ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसको योजक नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर उद्धरण भाव प्रकाशन और अपूर्ण विराम बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग निर्देशक चिन्ह। क्या बोलेंगे भैया? निर्देशक चिन्ह। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए, तो पल्लवन सामान्यता जो है किस में प्रयोग किया जाता है? तो भाई पल्लवन जो होता है वो सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में जरूर आता है कि हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? रैंडम मतलब उल्टा पुल्टा, तो यहाँ पर सही पारिभाषिक शब्द कह रहा है, और मिनट मतलब कार्य सूची, ये तो गलत हो जाएगा। रैंडम मतलब उल्टा पुल्टा नहीं होता है, रैंडम मतलब इधर उधर समझ लो ऐसे कुछ होता है, बट सही भी हो सकता है। बट सही यहाँ पर देखा जाए तो रिकमेंडेशन मतलब संतुत, ये भी सही है, और अटॉर्नी जनरल माधिवक्ता नहीं होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है वो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो आपसे कह रहा है कि भाई छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है? भाई छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आँख से रोवे एक आँख से हंसे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो भाई एक आँख से रोवे एक आँख से हंसे इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दिखावटी रोना, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो कह रहा है बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए, तो भाई बांझ का जो तत्सम होता है वो वंध्या होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो आपसे कह रहा है भाई चा छा जा झा ये किसके उदाहरण हैं? तो भाई चा छा जा झा ये देखा है चा वर्ग, यानी कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा के अग्रभाग और कोमल तालु इतने समीप हो जाते हैं कि मुख मार्ग कुछ शकरा हो जाता है, और प्राण जो है जो प्राण वायु है वो कुछ रगड़ खाती हुई निकलती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो कह रहा है भाई ठेठ हिंदी का ठाठ इसके लेखक कौन है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ इसके लेखक भैया कौन है? तो आपको ये कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग नए हो तो चाहिए जल्दी से हमारी वेबसाइट को भी सपोर्ट कीजिए। तो अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।